is one. Killer. This is us. हम वीरती की बात कर रहे हैं और हम समझ रहे हैं चिदानंद समझ रहे वीरती में आ गया और चिदानंद को भवन पे नहीं है तो चिदानंद की द्रव्य वीरती है बा वीरती नहीं है। ये महत्व है इसका, कितना बड़ा महत्व है, इसके बिना सम्यक दर्शन नहीं है। चारित्र और ज्ञान को तो भूल जाओ, वीरती धर्म को तो भूल जाओ, अरे चौथे गुण स्थान तो भूल जाओ, इसके बिना जीव पहले गुण स्थान में भी नहीं आता। कहां बात है, क्या बात कर तू, भव निर्वेद के बिना पहला गुण स्थान भी नहीं है। दूसरी भाषा में कहूं अब पुनर्बंधक में भी जीव नहीं आता। क्या बात है यार, कितनी महत्व है इस परिधान की, अब पुनर्बंधक में भी नहीं है जीव। हाँ तो ये प्रार्थना है, मनोरथ है, चाहना है, तमन्ना है, कामना है। और एक याद रखो, तुम्हारे से या मेरे से कोई भी प्रार्थना करे जरूरी नहीं है कि सफल हो, जरूरी है सफल हो। तुमसे कोई प्रार्थना करे या मेरे से कोई प्रार्थना, जरूरी है कि सफल हो। पर याद रखना, जिनसे ये प्रार्थना की गई है वो उसे निश्चित सफल होती है। ये प्रार्थना है तीर्थंकर जय विराज जग गुरु से की गई है, उनकी प्रार्थना, उनसे यदि प्रार्थना की है निश्चित सफल होगी, होगी, होती ही है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शंका नहीं है। इसीलिए उसको उपमा दी गई है, परमात्मा को कल्पवृक्षोपमान, कल्पवृक्ष की उपमा। कल्प वृक्ष के नाके कल्पना करो, कल्पना साकार में हो। यहाँ तो तुमने कल्पना करने ही नहीं है, यहाँ जिसके नीचे बैठो वो कल्प वृक्ष नहीं है। तीर्थंकरों के पास की गई प्रार्थना कभी भी निष्फल नहीं जाती, इसीलिए हमने भी आज तक तीर्थंकरों के पास ये प्रणिधान नहीं किया, ये प्रार्थना नहीं की। तीर्थंकरों के पास कहां निष्फल जाती है, तुम करो तो सही एक बार। अमोघ प्रार्थना है तीर्थंकर तो। एक छोटी सी बात याद आई मेरे को, एक कहानी। एक गांव मारवाड़ की घटना है, पुरानी घटना है। एक डोसी रहती थी, युवावस्था में ही विधवा हो गई थी, पति का देहावसान हो गया था युवावस्था में। आगे पीछे कोई था नहीं, न इधर न उधर, अकेली थी। झोपड़ी में, टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी, विधवा हो गई थी। गुजारन के लिए लोगों के घर का काम कर देती थी, पर रोज गांव के बाहर जाती थी। वो गांव के बाहर आती और जाते हुए उसको एक जगह दिखती थी और जगह देखकर वो एक कहती थी, उसकी एक इच्छा होती थी, अरे इस जगह पर यदि पार्श्वनाथ का मंदिर हो तो कितना अच्छा लगे। पार्श्वनाथ, इस जगह पर पार्श्वनाथ का मंदिर हो तो कितना अच्छा हो। अरे इसके खाने का ठिकाना नहीं है, कपड़े में भी 10 जगह टांके लगे हुए हैं, लोगों के घर का बर्तन मांजती है, दूसरा काम करके गुजारन करती है। बस पार्श्वनाथ के भैया की रटन, पार्श्वनाथ जब भी आए जाए देखे, दिन रोज आने का उसका काम, उस रास्ते से न जाने कितनी बार गुजरे और एक ही जगह देख रहे, कितनी रमणीय जगह है, कितनी सुंदर जगह है, यहाँ पर एक पार्श्वनाथ का मंदिर हो तो कितना अच्छा। बस एक प्रार्थना है, परमात्मा तेरा मंदिर यहाँ पर हो। सपने में भी बना सकती है मंदिर नहीं है, पर परमात्मा से, ये परमात्मा तेरा मंदिर हो यहाँ पर। योगानुयोग, किसी व्यक्ति ने समय शिखर का संग निकाला उस गांव से। समय शिखर का संग निकला
तो उसको भी साधर्म के नाम में एक्ट कर दिया गया। बहुत खुश हुई, कभी जाए हो परमात्मा ने मेरे को समय शिखर बुला लिया, बड़ी खुश है, नाच रही है, मन नाच रहा है। मैं जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी, दादा को भेटूंगी दादा को भेटूंगी। समय शिखर का नाम भी सुना था, तो कभी गई तो थी नहीं, बस पार्श्वनाथ को जाकर जाऊंगी। यात्रा संग रवाना हुआ, पहुंचा समय शिखर, कल उठ कर चढ़ना है और रात कोई भावना भा रही है, अरे 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 सुबह ऐसे चढ़ूंगी ऐसे चढ़ूंगी, ऐसे पूजा करूंगी और ऐसे दादा को भेटूंगी कि जन्म जन्म का कभी वियोग हो ही ना। बस कोई पढ़ी लिखी नहीं है, परिधान किया उसको दिमाग में आता नहीं है, कोई आता नहीं है, कुछ पढ़ी लिखी नहीं है, ज्यादा ज्यादा कोई सूत्र वगैरह भी नहीं आते, हम बस एक भावना है बस। किसी ने उसको कहा भी नहीं कि यहां से मंदिर की बात को याद रखना, प्रार्थना दो तरह की, एक बोली जाती है एक अंदर से निकलती है, एक बोलने की होती है प्रकट होने की होती है। ये प्रकट होने वाली की प्रार्थना की बात है, बोलने की प्रार्थना नहीं है। एक नाभि से प्रकट होती है नाभि का नाद प्रार्थना, एक मुंह से बोली जाती है। बोलना और प्रकट होना में बड़ा अंतर, ये प्रार्थना बोलने की प्रार्थना नहीं है। बोलने वाला परिधान नहीं कर सकता, जिसके प्रार्थना प्रकट हुई है वो परिधान कर सकता है, प्रकट होना चाहिए भाई। उसमें बोलने में तो शब्द देखे जाते हैं, या शब्द नहीं हृदय को देखा जाता है, हृदय की पुकार देखी जाती है, नाभि का नाद सुना जाता है। दूसरी आवाज तो सब सुन लेते हैं, ये तो नाभि का नाद जो परमात्मा के कहीं भी सुन लेता है, नाभि का नाद। भावना आती है, कई वर्षों से भावना भा रही थी, मंदिर हे परमात्मा तेरा मंदिर हो, तेरा मंदिर हो। और कोई किसी को याद रखना, प्रार्थना और श्रद्धा ऐसी चीज है जो तर्क और बुद्धि से तुम नाप नहीं सकते। यहां तर्क नहीं चलती है, बुद्धि नहीं चलती, बुद्धि से क्या नापोगे, तर्क से क्या नापोगे, नापते ही रहो नापते ही रह जाओगे। प्रार्थना और श्रद्धा तो ऐसी चीज है, क्या बुद्धि और क्या तर्क, सब कुछ रह जा धरे रह जाते हैं। और जिसका सच्चा अनाद होता है, प्रकृति भी उसको कैसे सहयोग देती है, सहयोग देती है। कभी आपने सोचा, भगवान महावीर ने अभिग्रह किया परिधान किया, और क्या है, परमात्मा महावीर ने बहुत से परिधान किए, बहुत से परिधानों की चर्चा आती है दूसरे महाराजों की, परिधान किया। मैं भोजन तब लूंगा, मैं हर तब लूंगा, एक राजपुत्री हो, दासी के हाँ मुंडी हो, क्या क्या परिधान किया उसने, ये परिधान ही तो है और क्या है। और कल्पना करो कि ऐसा परिधान ऐसा विग्रह कभी पूरा हो सकता है। पहले अभिग्रह करने वाले पहले सोचते हैं ये पूरा हो सकता है कि नहीं, पहले वो सोचते हैं, पूरा हो सकता है तो करें, नहीं है तो छोड़े। पर अध्यात्म जगत में ये नहीं है, ये व्यवहार जगत में चलता है कि पूरा हो सकता है कि नहीं हो सकता, अध्यात्म जगत में ये बातें नहीं है। वो तो तुम्हारा मन की मक्कमता, मन की दृढ़ता, मन की मजबूती कितनी है वो देखा जाता है। प्रकृति ने भी कैसे सहा किया भाई, चंदना कहां से कहां, वहां राजपुत्री कहां पहुंच गई, कहां भेड़ियों में है, कहां तीन तीन दिन का उपवास अष्टम। देखो परिधान जितना मजबूत होगा ना, प्रकृति तुमको सहाय करेगी, समझना। प्रकृति भी सहाय करती है, तुम्हारी परीक्षा लेती है कि तुम्हारी परिधान में मजबूती कितनी है,
और इसीलिए मैंने भी कहा था ऐसा परिधान देवता नहीं कर सकते, मनुष्य कर सकता है। वो देवता के पास ऐसा मन कहा, वो तो जन्म ढुल मिल जाए। अभी परिधान किया, अभी टूट गया, अभी किया, अभी आया गया। मन की मजबूती जो मनुष्य भव में है वो देवताओं के भव में नहीं है, इसीलिए उनके लिए चारित्र की माने अभी चारित्र नहीं ले सकते। मन की मजबूती चाहिए और ऐसे मन की मजबूती मनुष्य आपने कभी आज तक सोचा नहीं। इंद्र कितना पुण्य करता है जीव जब उसको मन मिलता है। मने पर्याप्ति अंतिम पर्याप्ति है, मने पर्याप्ति अंतिम में होती है मने पर्याप्ति। इंद्रियों तो मिल जाती हैं पर मन नहीं मिलता। और कितने अनंत भवों का कितने इतने पुण्य से आपने मन कमाया, इतने कितने भवों के पुण्य करते करते आपने मन कमाया और इस मन का कर क्या रहे, सदुपयोग के दुरुपयोग के व्यर्थ में जा रहा है। आपने बड़ी मेहनत करके यदि 2 रुपये कमाए हैं, बड़ी खून पसीना एक करके 2 रुपये कमाए, आप ऐसे खर्च कर दोगे 2 रुपये? 1000 बार सोचोगे कहाँ कैसे खर्च करना, भले 2 रुपये क्यों, पर देखा अरे अरे मैंने इसके लिए कितना उपसर्ग सही, कितनी भूख सही, कितनी प्यास सही, तब मेरे हाथ में मैंने मेहनत करके मजदूरी करके 2 रुपये कमाए हैं और 2 रुपये ऐसे खर्च कर दोगे? ये मन कैसे प्राप्त किया आपने, कितना परिश्रम किया है, कितने भवों में, एक भव नहीं अनंत भव। इंद्रियों की बात नहीं है, मनुष्य भव की बात भी नहीं है, मनुष्य भव से ऊंची बात मन। क्या किया आपने, कितनी मेहनत से कमाया और कमाने के बाद भी अब कर क्या रहे हो? और याद रखना, जो व्यक्ति जो चीज उसको प्राप्त हुई है उसका दुरुपयोग करता है तो आगामी भव में नहीं मिलती। एक नियम, आप अपने बेटे को 10 रुपये दो और 10 रुपये का दुरुपयोग कर दे दोबारा दोगे, और 10 रुपये का सदुपयोग तो 20 दोगे, आप दोगे ना 10 की जगह 20 दोगे, भी अच्छे काम में खर्च करता है और बुरे जो उसने शराबी में ज्वार में खर्च के नहीं दोगे, और अच्छे काम में 10 जगह 20 दोगे, 20 जगह 40 दोगे, 100 दोगे, 1000 दोगे, कब दोगे? जब आपका बेटा वो रुपये का खर्च कर रहा है, पुण्य के कार्य में खर्च कर रहा है, सदवे कर रहा है, और यदि ऐसे ही उड़ा रहा है तो हमको जो मन मिला है, इंद्रियों की बात तो है, जो मन मिला है देवताओं से बढ़कर भी उसको कहाँ खर्च कर रहे हैं, खर्च कहाँ कर रहे हैं उसके मन का, मन को कहाँ लगाए हुए, कहाँ खर्च कर रहे हैं? और बस यदि मन का सदुपयोग नहीं है तो एक बात, मनुष्य जन्म को हार गए। और क्या है मनुष्य जन्म को हारना, और उसका सदुपयोग कर लिया तो मनुष्य बाप सफल, और है क्या? तुमने कितना कमाया ईश्वर, कुछ नहीं। मन का सदुपयोग कितना किया, मन से शुद्ध परिधान कितना किया, उतना मनुष्य जन्म की सफलता। और क्या है, वो खोया नहीं, वो कमाया है। हम खो रहे हैं, कमा नहीं रहे, क्या बात है? लगता है तुमको कमा रहे हो, खो रहे हो। अब जो खोएंगे तो आगामी भव में थोड़ी हमको मिलने वाला था, तो फिर बेटा पिता हमको थोड़ी देगा, भाई तू अच्छे घर में खर्च नहीं करता, तेरे को नहीं देने भाई। हाँ, तो बुढ़िया कहाँ पहुंची है, समय शिखर पहुंची है, यात्रा की भावना है, कल ऐसे चलूंगी, ऐसे चलूंगी, ऐसे पूजा करूंगी, ऐसे पूजा करूंगी, बहुत अच्छी बात है। आप भी आए हो यहाँ पर, अभी मैं भी आया यहाँ पर, हैं
अनंत सिद्धों की भूमि में आया हूँ, तो मैं भी ऐसी आराधना करूँ, मैं भी सिद्धत्व को प्राप्त करूँ। वो भी विचार करती है, ठीक है। सुबह हुई, जल्दी गई, पूजा पाठ करके रात को शाम को दो तीन चार बजे नीचे आई। रसोड़े में भोजन था, संघ जी का रसोड़ा था, भोजन था, भोजन किया, भोजन करके अपने रूम के बाद आके बैठी है बाहर। इतने में उसको आवाज़ सुनाई दी, रोने की, चित्कार करने की, तड़पने की आवाज़ सुनाई दी उसके कानों में, करुण क्रंदन सुनाई दी। अरे अरे अरे, जैसे कोई जीव बहुत तड़फ रहा है, आहकार कर रहा है। वो सोचती, अरे अरे, ये दादा की भूमि, पार्शीनाथ की भूमि, सम्मेशिकर की भूमि, यहाँ कोई जीव ऐसे क्यों तड़प रहा है। जिस तरह श्यावा जी पास की धर्मशाला की आवाज ही आ रही थी, बहुत भीड़ इकट्ठी थी वहां पर, गई वहां पर, अंदर चली गई, पूछा क्या हुआ। तो संगपति परिवार की एक स्त्री 35-40 साल की, पेट में इतना दर्द, कहती अरे दर्द हो गया, इतने डॉक्टर आए, ये आए, वो आए, झाड़ापुर वाले आ गए, संगमी परिवार ने सबको बुला लिया, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आंतरी इतनी दर्द है, एक मिनट को चैन नहीं पड़ रहा, तड़प रही है। जिस तरह मछली बिना पानी के तड़पे, वो दर से तड़प रही है। इलाज सब हो गया, लागू नहीं हुआ कोई इलाज, सब चाहे उदास निराश। वो कहते अरे अरे, तुम चिंता क्यों करते हो, पार्शनाथ की भूमि पर आयो, मुझे पार्शनाथ पर बड़ी श्रद्धा है, लाओ अभी ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। पानी का गिलास मंगाती है, पार्शनाथ का रटन करती है, रटन करके भावना भाती है कि अरे 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 प्रभु, इसका जल्द ठीक हो जाए। प्रणिधान करती है, समझना, पानी पिलाती है, बड़ी भावना से, शुद्ध भावना है, निष्पृता है, कोई शाना नहीं है, निष्पृता से है। और देखते देखते पानी पीने के बाद योगानुयोग परमात्मा की कुछ ऐसी कृपा हुई, बरसी कृपा, कि धीरे धीरे दर्द ठीक होने का, रोना बंद हो गया, आधा घंटे बिल्कुल ठीक हो गए। ठीक होने के बाद बुढ़िया तो अपने घर आ गई, अपने कमरे में आ गई, सब लोग भी बिखर गए। शाम को सभी परिवार इकट्ठा हुआ, उन्होंने सोचा भाई ऐसा किसने दर्द ठीक कर दिया, इतने डॉक्टर आके मेरा कुछ हुआ नहीं, किसने दर्द किया, जिसने दर्द भी ठीक किया है उसने हमारे पर बड़ा उपकार किया है, और उपकारी का बदला चुकाना चाहिए। भावना बात है, अरे देखो वो सभी परिवार की, जिसने किया उपकार किया है, पूरे परिवार पर उपकार किया है, हम इतना जाने क्या हो जाता हम। तो जिसने भी ये किसी भी माँ जी ने, बुढ़िया भाई ने ये दर्द ठीक किया है, चलो उसके कारण ठीक हुआ है, तो कम से कम उसको कुछ भेंट, उसका सम्मान से उसको कुछ भेंट तो देनी चाहिए। उपकारी को याद करना, उपकारी को भूलना नहीं। तीर्थंकर परमात्मा का देशना तो देते हैं, कुछ बातें बोल के कहते हैं, कुछ बातें कल के कहते हैं, हर चीज़ें तीर्थंकर बोल के नहीं बताते, और कुछ बोल के भी बताते हैं, कुछ इशारों में बनाते हैं, कुछ संकेतों में बताते हैं। परमात्मा हर कोई भी तीर्थंकर परमात्मा पहला एक काम करता, तीर्थंकर बनने के बाद, गाती कर्मों का क्षय होने के बाद, तीर्थंकर समोसन की रचना हो गई, उपदेश देने पहले एक काम करता है, अपने उपकारियों को याद करता है। कैसे करता है, दो घटनाएं घटित होती हैं वहां, एक नहीं दो घटनाएं, एक बोलकर और एक करके दिखाता है। तो उपकार यानी तीर्थंकर भी कहता है, पहले उपकारियों को याद करो, उपकारियों को याद नहीं करो, तुम्हारी साधना में, आराधना में, भक्ति में, तुम्हारे ज्ञान ध्यान में, तुम्हारे वृत्ति संयम दम की आराधना में, तुम्हारे जीवन काल में जो जो जीव उपकारी हैं उनको याद करो। और इसकी आगे इसमें आने वाली है, ये 8 बातों में ये बात आने वाली है, चर्चा उस समय करेंगे, क्या चीज है उपकारियों को। हमारा सबसे बड़ा दुर्गुण उपकारी को भूल जाना, कृतज्ञता।
कृतज्ञता सबसे बड़ा गुण और कृतज्ञता सबसे बड़ा दोष, आत्मा का गुण और आत्मा का दोष। अब उपकारी को याद करते हैं, अरे अरे क्या बात है, उपकारी को याद करना चाहिए। हाँ, हमको एक ही चीज याद रहती है और एक चीज भूल जाती है। हमने जिस पर उपकार किया है वो याद रहता है, और जिसने हमने जिस पर उपकार किया वो याद रहता है, और जिसने हम पर किया उसको हम भूल जाते हैं। और अपने उपकार को हमेशा याद रखते हैं, चाहे फूटी कौड़ी का क्यों उपकार किया किसी को तभी याद रहता है। और जिसने एक फूटी कौड़ी और इसने करोड़ का भी उपकार किया तो भी भूल जाता है, नहीं नहीं इसका तो फर्ज था, इसको तो करना चाहिए था, नहीं। क्या चीज है समझना, और ये आठ बातों में ये बात आने वाली है। इसीलिए मैंने कहा मोक्ष मार्ग मोक्षांग पूरी आठ चीजें है, योग मार्ग है, मोक्ष मार्ग आठ बातें हैं। सम्यक दर्शन बाद की चीज है, पहले उपकारी के उपकार को तो याद करो, क्या कहां से आएगा सम्यक दर्शन। उपकारी का उपकार याद नहीं, और तीर्थंकर पहले कहते उपकार के उपकार को याद करो, भाई मैं भी याद करता हूं तुम भी याद करो, उपदेश उनका संदेश। मादिमं निष्परिग्रहं आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः ज्ञानामृतेन लोकाना कष्टोच्छेद विधायिने ऐदं नमो वल्लभ सूरये। जिन शासन रूपी गगन के जाज्वल्यमान सूर्य परम विद्वान आचार्य धनेश्वर सूरी जी महाराजा द्वारा विरचित शत्रुंजय महात्म्य के अंतर्गत त्रिविक्रम राजर्षि के प्रेरक प्रसंग पर हम कुछ चर्चा कर रहे हैं। महाराजा महाबाहु और राजर्षि त्रिविक्रम परस्पर किस तरह से अपने अहम भाव को तिलांजलि दे करके निर्मल हृदय से, निखालस हृदय से, शुद्ध अंतःकरण पूर्वक अपनी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहाते हुए दोनों के आंखों में सावन भादो बरस रहा है। गंगा यमुना पश्चाताप की पावनी गंगा में स्नान करते हुए एक दूसरे से परस्पर क्षमापना कर रहे हैं। क्षमा कभी भी मान अपमान के गस से नहीं नापी जाती। यह
याद करो अनंत लब्धि दिनान गुरु गौतम स्वामी को। परमात्मा महावीर से पूछते हैं, गौतम स्वामी परमात्मन भूल मेरी है या आनंद की है? और सत्य वक्ता स्पष्ट वक्ता परमात्मा महावीर कहते हैं कि गौतम भूल आनंद की नहीं, भूल तेरी है। और उसी समय गौतम भर दोपहरी में गोचरी लेकर के स्थान पर आए हैं, गोचरी करने नहीं बैठे, गोचरी वही छोड़ी और वापिस सीधा वाणिज्य नगरी की ओर जाकर के आनंद श्रावक से उदार हृदय से क्षमापना करते हैं। आज के अभिमानी युग के लिए ये बहुत ही एक प्रेरक संदेश देता है। आज हम संघ में, समाज में, संस्थाओं में, घर घर में देखते तू तू मैं चलती रहती है। और छोटे छोटे थोते अहंकार को लेकर के हम झुकने के लिए तैयार नहीं होते। और परिणाम यह आता है कि जिसने भूल की और जिसके प्रति की, दोनों ही अपनी गति बिगाड़ लेते हैं, दुर्गति के मेहमान बन जाते हैं। हमारी साधना में यदि सबसे बड़ी अर्गला है, सबसे बड़ी बाधा है, तो अहंकार है। और ये निश्चित समझना, जब तक अहम नहीं जाएगा और हम नहीं मिलेगा, मान गले तो ज्ञान मले। बाहुबली ने जैसे ही अपने मान का मर्दन किया और छोटे भाइयों को वंदन करने के लिए पहला कदम उठाया, बगरे उपाड़ियो रे बांधवा उपनियो केवल ज्ञान दे, वो पहला कदम विनम्रता का कदम था, सरलता का कदम था। और जो एक वर्ष की कठोर साधना के बावजूद नहीं मिला, पहला कदम उठाते ही केवल ज्ञान केवल दर्शन की उन्हें प्राप्ति हो गई। महाराजा महाबाहु और राजर्षि त्रिविक्रम किस तरह से परस्पर दिल खोल करके पूर्व भवों को याद कर करके, मैंने अज्ञानतावश अविवेकवश मैंने जो पाप कर्म बांधे, दुष्कर्म किए, महाबाहु राजा विचार करते कि मैंने भवो भवो में इस त्यागी तपस्वी संयमी ऐसे निर्गंत महामुनि को मैंने परेशान किया, मैंने इन्हें मारने का प्रयास किया, अनेक परिसर दिए, अनेक उपसर्ग किए, मैंने महामुनि की भयंकर आशातना करके प्रगाढ़ कर्मों को बंद किया। और महामुनि भी विचार करते हैं कि अरे मैं तो क्षमा श्रमण हूं, मुझे क्षमावतार कहा जाता है, क्षमा का पर्याय माना जाता है श्रमण को, और क्षमा श्रमण होते हुए भी मैंने क्रोध के अभिभूत होकर के भवो भवो में इसको मैंने तेजोनिशा से भस्म कर डाला, मेरे जैसा पापी अधम कुर। दोनों ही आंखों में सावन भादो बरसाते हुए परस्पर शुद्ध अंतःकरण से क्षमापना करते हैं। क्षमा शीतल जल के समान है,
क्षमा शीतल जल के समान है जो क्रोध की अग्नि को शांत कर देता है। क्षमा तो सुगंधित फूल के समान है जो प्रेम स्नेह और मैत्री की सुवास फैला देती है। क्षमा तो प्रेम की डोरी के समान है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देती है। क्षमा तो ऐसा तेजस्वी सूर्य है जो अंधकार को दूर करके, दुर्भावों के अंधकार को दूर करके तुम्हारे भीतर सद्भावनाओं का प्रकाश फैला देती है। क्षमा तो ऐसा राज मार्ग है, प्रशस्त मार्ग है जो तुम्हें उन मार्ग से सन्मार्ग की ओर अग्रसर कर देता है, मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर कर देता है। क्षमा शांत सहज और तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए वरदान है। दिलों को जोड़ने वाला पैगाम है, मन का श्रृंगार है, प्रेम की भाषा है, टूटी हुई आशा है। क्षमा को ईश्वर, अल्लाह और परमात्मा कहते हुए खुश नसीब हैं जो क्षमा लेते हैं और क्षमा देते हैं। यह हमारा जैन शासन है। क्षमा अपना के आदर्श उदाहरण देखे, जहां किसी भी प्रकार के अहम की अर्गला नहीं आती। एक 14,000 साधुओं के नेता, 50,000 केवल ज्ञानियों के गुरु, परम परमात्मा महावीर के प्रथम गणधर, प्रथम शिष्य, लब्धियों के भंडार, पुण्य की मूर्ति, प्रचंड पुण्य के धनी गौतम स्वामी जैसे प्रथम गणधर एक श्रावक के पास जाकर के क्षमा अपना मांगते हैं। एक परमात्मा महावीर के शासन की साध्वी प्रमुखा, 36,000 साध्वियों की अधिनेता साध्वी प्रमुखा चंदन बाला भी अपनी शिष्या मृगावती के चरणों में गिर करके क्षमा अपना मांगती है। और क्षमा अपना करते करते ही मृगावती को पहले ही केवल ज्ञान हो गया था, और क्षमा अपना करते करते चंदन बाला को भी केवल ज्ञान हो गया। क्षमा अपना का क्या आदर्श है, याद करो। चंद्र रुद्राचार्य को, शिष्य को तो केवल ज्ञान हुआ ही हुआ, लेकिन शिष्य के चरणों में गुरु पढ़ करके भी क्षमा अपना मांगता है और शुभ भावों में भर करके शुद्धता की ओर अग्रसर होकर के उसे भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। काय का अहम, तुम हो क्या, काय का अहम। यहां तो गणधर भी एक श्रावक से क्षमा अपना मांगता है, साध्वी प्रमुख अपनी शिष्या के चरणों में गिर करके क्षमा अपना मांगती है, और गुरु भी अपने शिष्य के चरणों में गिर करके क्षमा भाव आता है। क्या आदर्श है जैन दर्शन का, धन्य है, धन्य है। क्षमा धर्म के इतिहास का अमूल्य रत्न है। आत्मा के लिए मुक्ति का मंत्र है, यह तो आत्मा से निकली परमात्मा की आवाज है। और यह निश्चित समझना, नफरतों के जलाओगे हजारों भी दिए, नफरतों के जलाओगे हजारों भी दिए, उनसे दुनिया में हुए हैं न उजाले होंगे। जिन चिरागों से मोहब्बत की रोशनी फैले, वो चिराग जलाओ तो उजाले होंगे। ये नफरत, ये घृणा, ये वैर वे मनुष्य भाव के अंधेरे को यदि दूर करना है तो जलाओ वो मोहब्बत की रोशनी की चिराग जलाओ। महाराजा महाबाहु और त्रिविक्रम राजर्षि दोनों ही अपने भीतर के सभी प्रकार के वैर विरोध को दूर करके, वैर वैमनस्य को दूर करके, और यह निश्चित समझना
सुई में कौन सा धागा प्रवेश कर सकता है? सुई में कौन सा धागा प्रवेश कर सकता है? जिस धागे में गांठ ना हो, जिस धागे में गांठ ना हो वही धागा सुई में प्रवेश कर सकता है। परमात्मा महावीर कहते हैं वही आत्मा मुक्ति महल में प्रवेश कर सकता है, सिद्धि सदन में प्रवेश कर सकता है, जिसकी आत्मा में वैर विरोध के, राग द्वेष के कषायों की गांठ ना हो। Together as one, Killer. This is us.